डियर स्टूडेंट्स कैसे है? आप सब लोग उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे खैर खरीद से होंगे सुपर स्टडीज चैनल में आप लोगों का वेलकम है मुझे कहते हैं जी नेहा और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ इलेवेंथ क्लास के जो मैथ्स का पेपर है मंडे को आपका मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स का लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन मतलब फुल बुक फॉर्मेट जो है आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्री इंजीनियरिंग वाले भी मैथ्स पढ़ते हैं आई वाले भी मैथ्स पढ़ते हैं फुल बुक पेपर शेयर करना बहुत ज़रूरी था और मैंने सोचा कि सुपर स्टडी में क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके आई होप सब स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सुपर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आप लोगों के सामने आएंगी अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा कि इतनी हम, हम मैं भी यहाँ बैठ के मेहनत करूँ आप भी यहाँ बैठ के मुझे भी देखें तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब स्टूडेंट्स सुपर स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें चलिए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैथ्स फुल बुक पेपर की तरफ़ जाते हैं ये तमाम जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स देख सकते हैं साहिवाल भहावलपुर गुजरावाला मुल्तान फैसलाबाद रावलपिंडी लाहौर कुछ मिस हो गया वो बी सियालकोट सरकोदा डीजी खान तमाम तो स्टूडेंट्स जितने भी पंजाब बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं देख सकते हैं क्योंकि और ये होगा कि बोर्ड वाइज हो सकता है कुछ बोर्ड्स में 100 परसेंट यही पेपर आए कुछ बोर्ड में 80 परसेंट नाइन परसेंट हो सकता है कुछ बोर्ड में 5 परसेंट या 20 परसेंट आए तो आप लोगों ने देखना है जरूर है इन क्वेश्चंस को और साथ साथ अपनी तैयारी भी करनी है तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं so, so, तो देखिए मैथ्स के आपको आपको नजर आ रहा होगा फुल बुक के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं जैसे नंबर वन पे है द डेट वन माइनस वन प्रॉपर्टी डब्ल्यू आर टी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आपने इसको बताना है उसके बाद है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ वन एंड जीरो देखें तो अगर आपको एक मैट्रिक्स uh, शो किया गया है और आपने उसको बताना है कि शो डैट ए फोर इज इक्वल टू वन बाई टू आई केस लिखा हुआ है शायद उसके बाद है सॉल्व फॉर एक्स द मेट्रिक इक्वेशन नंबर फोर वाला देखना है उसके बाद सॉल्व द फैक्ट्राइजेशन नंबर एट वाला उसके बाद नंबर टेन वाला देखिए नेचर ऑफ दी हुई है, तो है।, तो है। आपने इसको इक्वल टू जीरो करना है उसके बाद नीचे आए तो डिफाइन हार्मोनिक प्रोग्रेशन है नीचे आए तो डिफाइन प्रॉपर एंड इम प्रॉपर फ्रैक्शन है और नंबर सिक्सटीन इफ द नंबर दिस एंड दिस आर इन हारमोनिक सिक्वेंसिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एटीन वाला देखें इसके बाद कैलकुलेट करना है थ्योरम के साथ ट्वेंटी uh, वाले क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन को नंबर ट्वेंटी वन वाला देखें फिर नंबर ट्वेंटी थ्री वाला देखें कि इफ फाइव इज द एज एम बिटवीन टू एंड बी फाइंड बी उसके बाद नीचे ट्वेंटी फाइव वाला देखें कि वेन थीटा इज इक्वल्स टू सिक्सटी फाइव डिग्री और ट्वेंटी और आर इज इक्वल्स टू एटीन एम एम फाइंड आप लोगों ने करनी है इसकी वैल्यू टी की गेस टी लिखा हुआ है उसके बाद प्रूव करना है साइन थीटा साइंस केयर थीटा प्लस कॉस्ट के थीटा इज इक्वल्स टू वन उसके बाद कन्वर्ट द रेडियन इन डिग्री नीचे लिखा हुआ है कि टू ट्वेंटी फाइव पाए बाय थर्टी सिक्स आपने इसको कन्वर्ट करना है नंबर ट्वेंटी सिक्स वाला क्वेश्चन देखिए सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए इज इक्वल्स टू थ्री सी इज इक्वल टू सिक्स एंड बी इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स डिग्री थर्टी सिक्स डिग्री बाई ट्वेंटी ऐसे ही कुछ थर्टी एंगल है आई थिंक बाई ट्वेंटी ठीक है उसके बाद आप लोगों ने के बाद नेक्स्ट है कि आप लोगों ने आ, मैं अब क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं बोल पाऊंगी मैं नंबर वाइज आपको बताती हूँ कि क्या करना अच्छा कन्वर्ट वाला आप लोगों ने देख लिया प्रूफ वाले थर्टी वन वाला देखिए प्लस साइन सेवेंटी वन और साइन इलेवन इज इक्वल्स टू वन बाय टू मतलब हाफ उसके बाद आपने इसको प्रूफ करना है उसके बाद सॉल्व करनी है इक्वेशन नेक्स्ट वाली देखें तो थर्टी टू वाला क्वेश्चन उसके बाद थर्टी सेवन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थर्टी एट सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थर्टी नाइन वाला और फोर्टी वाला देखे फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ वन एंड जीरो कंस्ट्रक्ट ट्रुथ्स टेबल फोर ये आगे इक्वेशन वैल्यूज दी हुई है फॉर्मेट दिया हुआ है उसके बाद राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ए बी एंड सी फिर उसके बाद है रिजॉल्व इनटू पार्शल फ्रैक्शन रिजॉल्व इनटू पार्शल फ्रैक्शन वाले तीन से चार क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स तक हैं उसके बाद सिंपलीफाई करना, इस करना है अपने क्वेश्चन को डिटरमाइन करना है डिटर्मिनेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोगों ने देखने हैं उसके बाद नेक्स्ट फिफ्टी वाला कि ये मेट्रिक्स वाले चैप्टर से है ये भी आप लोगों ने चेक करना है उसके बाद फिफ्टी थ्री वाला भी मेट्रिक्स वाले चैप्टर से है कि फाइन द मैट्रिस ऑफ एक्स इफ़ एक्स जो है आगे उसकी वैल्यू है ठीक है जो मेट्रिस वाले के फाइव टू माइनस वन और वन का एक मेट्रेस है इज इक्वल्स टू माइनस वन फाइव ट्वेल्व और थर्टीन का एक मैट्रस है वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है उसके बाद फाइन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मेट्रिस उसके बाद नीचे आए तो इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ

सेव के हाउ मैनी नेकललेस कैन बी मेड फ्राम सिक्स बीज ऑफ डिफरेंट कलर्स ये भी इम्पॉटेंट है मतलब आपका इसीलो बीज पेपर आना है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है उसके बाद स्टेट बायोलॉमल थ्यूरम उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है शो डायट द इन इक्वालिटी ऑफ ये फोर एन ग्रेटर देन थ्री एन इज ट्रू फॉर एन ग्रेटर लेस देन टू ग्रेटर देन टू अच्छा उसके बाद नीचे आए तो मैथेमेटिकल इंडक्शन है उसका आपने यूज करके इस इक्वेशन को प्रूफ करना है फिर मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेवेंट दो और क्वेश्चन भी हैं वो भी चेकआउट करने हैं फिर प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं फिर एवेलुएशन वाले हैं इस तरह करके आपके वन हंड्रेड एंड एलेवन के करीब शॉर्ट क्वेश्चन हैं नीचे आए तो साइन कॉस टैन वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं बीटा और थीटा वाले क्वेश्चंस भी हैं वो भी आप लोगों ने लाजमी करने हैं तो यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आए तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको uh, पंद्रह के करीब नजर आ रहे हैं तो मैं नंबर वाइज आपको बता देती हूँ कि देखें नंबर वन पे फाइंड को एफिशियंट ऑफ एक्सेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस उसके बाद को एफिशियंट से रेलिवेंट है ये दो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ये हो गया दूसरा क्वेश्चन देखिए इफ़ कॉजिक थीटा इज इक्व टू एम स्क्र प्लस वन ओवर टू एम एंड एम इज ग्रेटर देन जीरो और आगे वैल्यू है तो आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों ने करना है अच्छा नीचे आए तो देखें क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर भी इम्पॉर्टेंट है इस तरह आपको बाकी क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं कि थीटा वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने पेरेंट्स की चेकआउट कर लेनी है बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अच्छा इसमें एक क्वेश्चन नंबर एट का बी पार्ट देखें जो क्रामर रूल वाला है ये अक्सर पेपर में आ जाता है ये पूछ लेते हैं तो ये क्रामर रूल वाला भी आप लोगों ने चेकआउट कर लेना है उसके बाद नीचे देखें इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन ये चारों के चारों क्वेश्चन मतलब आई थिंक पांच बनते हैं पांचों के पांचों क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है इनको मिस नहीं करना तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इंफॉर्मेटिव साबित हो थम्स अप करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जा पहुंच सके उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और मुझे फिलहाल दे इजाजत अच्छे से तैयारी करें तमाम मैथ्स की प्रैक्टिस कर लें प्रैक्टिस करने का तो खैर अभी टाइम नहीं है जितना हो सके उतना आप उसको सॉल्व करके एक दफा चेकआउट कर लें और ये चेक कर लें कि आपको जो मैंने शेयर किया उनमें से आपको तकरीबन सारे आते हैं नहीं अगर आपको इनमें से आते इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ऑलरेडी और अगर आप लोगों ने इसके अलावा भी कुछ प्रिपेयर किए उनको भी माइंड में रखें और उनको भी तैयार करें मुझे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह अल्लाह